सो हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस यार आज आपके लिए फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर यूट्यूब के ऊपर पहुंच चुका हूं। सो गाइस यार आज की वीडियो इतनी ज़्यादा तगड़ी होने वाली है कि आप देखते ही रह जाएंगे। सो गाइस यार आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने इस एम्पलीफायर की अनबॉक्सिंग। सो गाइस यार इस एम्पलीफायर की अनबॉक्सिंग के साथ साथ ही हम जानेंगे कि इस एम्पलीफायर के क्या क्या फीचर्स रहने वाले हैं, कितना इसका प्राइस है, आप इसे कितने बजट के अंदर ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, ऑफलाइन सब कुछ वीडियो में ही जानेंगे किस प्रकार से इसे हम बाय कर सकते हैं या फिर क्या कुछ इसके अंदर फीचर्स रहने वाला है सब कुछ वीडियो में ही देखेंगे। तो गाइस यार चलिए इस एम्पलीफायर करते हैं अनबॉक्सिंग। तो गाइस यार एक बात और बता देता हूँ मैं, इस एम्पलीफायर की अनबॉक्सिंग जो कि मैंने दुकान पर ही कर ली थी क्योंकि वहाँ हमें यह चला के देखना था, तो इसलिए मैंने इसकी अनबॉक्सिंग दुकान पर ही कर ली थी जहाँ से मैंने ऑफलाइन परचेस किया है। तो वहाँ पर इसके हमें परचेस करने के बाद पता चला कि इसकी जो कि वायर है वो टूटी हुई है एम्पलीफायर की, जिसके कारण हमें यह और भी सस्ता पड़ गया। तो गाइस यार अगर आप ऑनलाइन खरीदोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ऑफलाइन भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, किसी किसी पीस के अंदर डिफेक्ट आ जाता है। तो गाइस जस्ट ये तो एक खाली डिब्बा, अब बात करते हैं एम्पलीफायर की। ये रहा हमारा एम्पलीफायर। तो गाइस यार ये रहा हमारा तगड़े वाला एम्पलीफायर जहाँ पर आप इसका ऐसा कुछ सामने से देख सकते हैं, i10 की जो ब्रांडिंग यहाँ पर की गई है। तो सबसे पहले इसके बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं। इसके अंदर गाइस यार आपको यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम का बटन मिल जाता है, यह वॉल्यूम L है, यह राइट है, यह लेफ्ट है, यह राइट है। ये देखिए यहाँ पर आपको वॉल्यूम के बटन्स मिल जाते हैं और आपको साथ ही में यहाँ पर बेस का मिल जाता है और साथ ही में आपको यहाँ पर ट्रबल मिल जाती है। तो गाइस यार ये तो रही इसके बटन्स की बात, अब यहाँ पर बात करते हैं इसके, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक ब्लूटूथ का पैनल जिसकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। आपको यहाँ पर ब्लूटूथ का एक पैनल दिया गया है। तो गाइस यार उसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है एक बटन जिससे आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इस बटन के साथ साथ में इसका एक और सबसे तगड़े वाला फीचर्स क्या दिया गया है, इसके अंदर दिया गया है एक, देखिए गाइस यार माइक, ये माइक का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, इसके अंदर आप एक्सटर्नल माइक लगा सकते हैं। तो गाइस यार और एक यहाँ पर आपको LED देखने को मिलती है और इसके साथ साथ आपको इसमें रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं ब्लूटूथ पैनल के अंदर, जो कि आप कुछ भी गाना या कुछ भी म्यूजिक रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं। अब ये तो थी इसके आगे की बात, और गाइस यार ये तीन बटन और रह गए, एक है इसमें USB का, एक है DVD का और एक है हमारा माइक का। ये देखिए एक है हमारा माइक का। तो गाइस यार ये तीन बटन इसके आगे रहने वाले हैं। तो अब बात करते हैं इसके जो कि पीछे हमें क्या कुछ क्वालिटी देखने को मिलती है, हम इसे थोड़ा घुमा देते हैं। तो गाइस यार इसे इसके पीछे आप देख सकते हैं, यह मोसपेड के अंदर यह एम्पलीफायर हमारा आता है। देखिए आपको चार मोसपेड देखने को मिलेंगे जो कि 3055 ट्रांजिस्टर के अंदर हमारे यह एम्पलीफायर आता है। और यहाँ पर आपको देखिए आप इसके अंदर चार स्पीकर लगा सकते हैं, चार स्पीकर है जो इस एम्पलीफायर के अंदर आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप चार स्पीकर लगाने के साथ साथ आप यहाँ पर इनपुट आउटपुट, इसमें कोई आप TV से कनेक्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, वायर से कोई आप DVD से कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर आप कर सकते हैं। तो गाइस यार इसके अंदर आप चार स्पीकर है जो कि एक साथ चला सकते हैं और यह है डबल चैनल में रहने वाला एम्पलीफायर है। तो सबसे खास बात यह है इसकी है 3055 ट्रांजिस्टर के अंदर यह एम्पलीफायर रहने वाला है। तो गाइस यार आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस यार अगर आप इस एम्पलीफायर की आपको जो कि साउंड टेस्टिंग चाहिए तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट जरूर करें, इसकी जल्दी वीडियो लेकर आएंगे साउंड टेस्टिंग के अंदर। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद।